हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी होता है। खाने पीने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छे से निकलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप समय से पहले खा लेते हैं या फिर समय निकलने के बाद खाते हैं तो उनके फायदे आपको नहीं मिल पाते हैं, बल्कि उस साथ ही साथ उसके नुकसान आपको बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केसर की। केसर सभी लोगों ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जरूर खाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान केसर किस महीने से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। और इसके क्या क्या फायदे आप लोगों को मिलते हैं, आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताने जाने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान केसर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान केसर खाना बिल्कुल सेफ होता है। केसर का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान किया जा सकता है। अब बात आती है कि कौन से महीने से प्रेगनेंसी के केसर खाना चाहिए। पहली तिमाही में केसर का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केसर तासीर में गर्म होता है और पहली तिमाही में ब्लीडिंग होना, गर्भपात होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तिमाही में भी नहीं, लेकिन आपको छठे महीने से आप केसर का इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं। छठे महीने से केसर का इस्तेमाल करना फिर भी सेफ माना जाता है। कितनी मात्रा में केसर का इस्तेमाल एक दिन के अंदर किया जाना चाहिए? केवल केसर के 3 से 4 रेशे ही आपको एक दिन के अंदर लेने चाहिए। आप 1 कप दूध में उनको भिगोकर रख दीजिए पूरी रात के लिए, सुबह उठकर उसको बॉयल कर पी लीजिए। इससे ज्यादा आपको केसर एक दिन में नहीं लेना है, इतना केसर बहुत रहता है, क्योंकि अगर ज्यादा केसर आप लेंगे तो इससे आपको गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को केसर का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनकी भी ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, गर्भपात है, हुआ है पहले, या फिर स्पॉटिंग का खतरा रहता है, कुछ लोगों को शुरुआती दौर में स्पॉटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसे लोगों को भूल कर भी केसर का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं केसर से होने वाले कुछ फायदों की। हाई बीपी को कंट्रोल करने में केसर का बहुत अधिक फायदे हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं तो आप भी केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही साथ पेट की अगर समस्या से आप परेशान हैं कि पेट में ऐंठन, एसिडिटी या गैस, इन जैसी समस्याओं को कम करने के लिए भी केसर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बच्चे की रंगत को निखारने में भी केसर अच्छा माना जाता है। बेसिकली तो आप देखेंगे कि केसर इसीलिए फेमस होता है कि अगर गोरा बच्चा चाहते हैं तो केसर जरूर खाएं। हाँ, ऐसा होता है कि बच्चे की स्किन को संवारने में भी केसर का रोल बहुत अच्छे से होता है। मूड स्विंग अगर आपका बहुत अधिक होता है, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण मूड स्विंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में केसर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि केसर खाने से क्या होता है कि आपको हार्मोन्स सही रहते हैं और आपका मूड स्विंग जल्दी जल्दी नहीं होता है। आयरन की कमी को पूरा करता है केसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी आयरन की कमी है तो केसर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आयरन की कमी को पूरा करने में केसर बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ब्लड फ्लो को सही रखता है। जी हाँ, ब्लड फ्लो जो शरीर में जो हार्मोनल्स हमारे तेजा चेंज होते हैं, लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे में ब्लड का जो पूरे शरीर में फ्लो रहता है उसको बैलेंस रखता है केसर। तो केसर इस चीज में भी बहुत फायदा करता है। हार्ट संबंधी समस्याओं को कम करने में भी केसर बहुत फायदा करता है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने में भी केसर बहुत फायदा करता है। तो ये सारे फायदे भी आपको केसर से मिलते हैं। अगर आपने भी केसर खाना शुरू नहीं किया है तो आज से ही कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उन 3 बातों का, किन लोगों को केसर नहीं खाना है, कब से केसर खाना है और कितनी मात्रा में केसर खाना है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में केसर से लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।